आपको बता दें कांग्रेस में सपना चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सपना चौधरी की राजनीति में एंट्री हो गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपना चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, कहीं ना कहीं राजनीति में अब ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नरेंद्र राठी ने सदस्यता पार्टी में सदस्यता दिलाई है सपना चौधरी को, और कांग्रेस ने 38 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर ली है। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला ये माना जा रहा है। और मथुरा से महेश पाठक को टिकट दी गई है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब विराम लगा दिया गया है। मथुरा से चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अटकलें थी, जिस पर विराम लग गया है। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सपना चौधरी राजनीति में एंटर हो चुकी है, सपना चौधरी की राजनीति में एंट्री हो गई है और कांग्रेस का हाथ सपना चौधरी ने थामा है। कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा बदलाव ये माना जा रहा है कि अब एक मशहूर डांसर, हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी ने राजनीति में एंट्री कर ली है और कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। और वहीं पर कांग्रेस ने 38 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है और मथुरा से महेश पाठक को टिकट दे दिया गया है। मथुरा में चुनाव को लेकर अटकलें थी कि कौन उम्मीदवार सामने आएगा, लेकिन अब चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की बात की जाए तो सपना चौधरी ने राजनीति में एंट्री कर ली है। हरियाणा की मशहूर डांसर और एक्टर सपना चौधरी अब राजनीति के मैदान में दिखेंगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। सपना चौधरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र राठी ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से उनको टिकट दे सकती है, लेकिन शनिवार देर रात कांग्रेस ने 38 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सूची में मथुरा लोकसभा सीट के प्रत्याशी का भी नाम है। पार्टी ने यहां से महेश पाठक को टिकट दिया है, यानी कि अब मथुरा से चुनाव को लेकर अटकलें थी जिन पर अब विराम लगा दिया गया है। महेश पाठक को टिकट दे दिया गया है, यानी कि सपना के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मथुरा से सपना चौधरी चुनाव लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को दोबारा लोकसभा टिकट दिया है। तो नाम अब लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है, ऐलान किया जा रहा है।